भगवान की प्राप्ति के लिए कोई आयु नहीं, कोई किसी भी प्रकार की कोई डिग्री नहीं, किसी भी प्रकार का कोई रूप सौंदर्य नहीं। ये सिद्ध करके बता दिया है, एक बार भक्त बन जाइए, भक्त को भगवान से मिलने में बिल्कुल देर नहीं लगती। भक्त कौन है? जिसके पास 9 चीजें हैं उसे भक्त कहते हैं। भगवान से मिलने के लिए 9 ही सूत्र। सबसे पहली बात है अच्छी बातें सुनिए, दूसरी बात है अच्छी बोल बोलिए, अच्छी बातें बताइए, अच्छी बातें सुनाइए, तीसरी बात है अच्छी घटनाओं का स्मरण कीजिए। जैसे आप कहीं तीर्थ में गए और बार बार उसे याद करते रहते हैं, जैसे आप यहाँ आए, यहाँ जाने के बाद भी यहाँ को आप भूलते नहीं है, ये भगवान से मिलने का एक तीसरा सूत्र। और अगला सूत्र है चरण छू करके इस प्रकृति से आशीर्वाद लेते रहिए। इतने बड़े मत बनना के चरण छूने में लाज लगे, शर्म लगे। प्रातः जागो तो स्पर्श से ही अपने दिन के आरंभ को आरंभ करो। सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करो। मेरे महाराज जी कहते हैं कि जो प्रातः धरती माता को मत्था रख करके प्रणाम करता है, कुबेर का खजाना खाली हो सकता है लेकिन तुम्हारे बटुए में कभी कमी नहीं आएगी। आप जितने यहां बैठे हैं अपने आप को पूछिए अंदर से, क्या रोजाना जब तुम बिस्तरा छोड़ते हो क्या मत्था टेक करके धरती को प्रणाम करते हो? धरती पर ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें मिली है जो धरती माता ने ना दी हो। जो सोना गहना पहने हो वो भी धरती ने दिया, जो वस्त्र पहने हो उसका धागा भी धरती ने दिया है, जो अन्न खाते हो, पानी पीते हो, जो जमीन में सोते हो वो धरती माता ने दिया। एक आकाश और एक धरा, दोनों को भूलना मत। आकाश पिता है, धरा माता है। जैसे पति और पत्नी के माध्यम से संतान होती है, आकाश से बूंदें गिरती हैं तभी धरती अन्न पैदा करती है, इसलिए धरती को मां और आकाश को पिता कहा है। द्यौ शांतिरंतरिक्षगुं शांति ही पृथ्वी शांतिरापः शांति रोखदया शांति ही वनस्पतया शांति। जो प्रातः में धरती को प्रणाम और आकाश का दर्शन करेगा उसके जीवन में शांति ही शांति होगी, ऐसा हमारा वेद कहता है। इसलिए भोर में सूर्य की किरणें नीचे निकले, नीचे उतरे उससे पहले खुले आसमान का, अंबर का दर्शन कीजिए। ये हमारा और आपका पिता है, धरती हमारी माँ है। आकाश को देवता कहा गया, वेदों में इसकी पूजा कही गई है, इसको प्रणाम करने की बात कही गई है। ये नित्य करें और फिर अपना जीवन देखें कितना खुशहाली से जीवन भरा। धरती माता को रोज प्रणाम कीजिए, बड़ों को, बुजुर्गों को, देवी देवताओं को, नदी पत्थर पहाड़ों को, गुरुजनों को, श्रेष्ठ जनों को नित्य प्रणाम करें, क्योंकि प्रणाम करने से एक नवीन भाग्य का निर्माण होता है। हमारे सामने कोई श्रेष्ठ पुरुष आए और हमारे सामने आके खड़े हुए, उन्होंने हमें देखा या हमने उनको देखा तो हमारे प्राण ऊपर की तरफ उठते हैं, ऊपर की तरफ प्राण ऊपर की तरफ उठते हैं। बताते हैं कि जिस समय हम उनको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं तो हमारे प्राण स्थिर हो जाते हैं उसी समय। इसलिए हम माता पिता को, पूज्य लोगों को, देवी देवताओं को हम वंदन करते हैं। और भगवान को प्राप्त करने के लिए जो 9 विधि हैं, 9 सूत्र हैं, उसमें एक यह भी है, प्रणाम करना, वंदन करना, पाम छूकर आशीर्वाद लेना। अगली बात है अर्चन। अर्चन के 2 शब्द हैं, एक देना भी है, एक लेना भी है। अर्चन मंस याचना, अर्चन में धूप दूर्वा फूल पत्तियां भगवान को चढ़ाना, उसमें भी इसको लिया जाता है। भगवान से जो मांगो वो ऐसा मांगो जो इस सृष्टि के लिए शुभ हो, सृष्टि के लिए कल्याणदायी हो, ऐसा मांगो। देव और दैत्यों में इतना ही तो अंतर है, जिन्होंने दूसरों को कष्ट देने के लिए मांगा उसे दैत्य कहते हैं और दूसरों के उद्धार के लिए जिसने मांगा उसे देवत्व कहते हैं। ऐसा कुछ मांगना नहीं जो प्रकृति के लिए नुकसानदायक हो, घातक हो।
तो यह भी भगवान से मिलाने वाला एक सूत्र है। भगवान के ऊपर चढ़ाते रहिए, समर्पित करते रहिए, सिर्फ धूप और घास फूल पत्तियां ही चढ़ाने से नहीं, परमात्मा के लिए अपने आप को समर्पित करते रहिए। दिन रात को मिलाकर के 24 घंटे होते हैं, सिर्फ अपने बेटा बेटी और बच्चों में ही सीमित ना रह जाना, उससे भी बाहर निकल के आइए, कुछ प्रकृति के लिए कुछ कीजिए, जो अभाव ग्रसित लोग हैं उनके लिए कुछ कीजिए। ये धरती पर उसी को मिलता है जो देता है। प्रकृति के न्याय बड़े अद्भुत हैं। प्रकृति ना किसी से दुश्मनी रखती है ना किसी से प्रेम रखती है, प्रकृति का वातावरण ही ऐसा अद्भुत है। यहाँ तो जो देगा वो ही पाएगा, आपको जो मिला है वही मिला है जो आप दे के आए। हाँ, इसलिए आप देते रहोगे कम मिलेगा। प्रारब्ध का बैलेंस ठीक ठाक है तो आज दोगे तो आज ही मिलेगा। एक विंध्यारण्य बहुत बड़े आचार्य हुए, काशी में रहते थे, सुनिए, उनकी चार बेटियां थी विवाह के लिए। वो किसी गुरु के पास पहुंचे, संत के पास पहुंचे, कहा गुरुदेव पैसा नहीं है और बेटियां शादी के लायक हो रही हैं, कोई उपाय बता दो। गुरुजी ने कहा गायत्री मंत्र का प्रश्न कर लो, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो और ब्राह्मण के लिए गायत्री तो दिव्य है, सब समाधान हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कितना समय लगेगा? कहा 3 साल 3 महीना 13 दिन लगेगा। वो इस तरीके का अनुष्ठान बताया गुरुजी ने। तो उस ब्राह्मण देवता ने, विद्यारण्य जी ने बड़ा अद्भुत वह अनुष्ठान किया। 3 साल पूरे हो गए लेकिन वहां तो कुछ मिला नहीं, लेकिन अब हैबिट इतनी आ गई मंत्र को जपते जपते चलते फिरते, अब तो वो अंदर से मंत्र निकलता ही है। एक दिन तो वो इतने परेशान थे वो घर छोड़ करके चल पड़े, हम उसे ये सब संभलता नहीं है, ये मैंने ऐसा सुना है गुरुजनों के मुंह से, संत जनों के मुंह से, और उन्हीं की सुनी सुनाई बात मैं आपको सुना रहा हूँ, गुरुजनों से जो सुनाए हुए। मेरी गुरुजी विद्यारण्य जी के प्रति बड़ी श्रद्धा है, क्योंकि उन्होंने गायत्री का बड़ा प्रचार किया है, गायत्री की महिमा उन्होंने बताई। एक बड़े तपस्वी ब्राह्मण देवता है, वो जैसे ही घर छोड़ करके चले तो देखा कि रास्ते में एक दिव्य दमदमाती चमकती हुई कोई देवी सामने प्रकट हो गई। विद्यारण्य जी ने वंदन प्रणाम किया और कहा हे माता तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा सुपुत्र मैं गायत्री देवी हूं, तुमने मेरा अनुष्ठान किया है ना, मैं आ गई, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगो वही पाओ। विद्यारण्य जी ने कहा माँ जब मैंने बुलाया तब तो आप आई नहीं, आज तो मैंने बुलाया ही नहीं और आप आ गए, ये बता दो कि तब क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा बेटा प्रारब्ध का अपराध इतना था, जब तक वो न जल के राख होता तो मैं आती कैसे, पीछे मुड़ करके देखो तो जैसे ही ब्राह्मण ने पीछे मुड़ के देखा तो 7 पहाड़ों में आग लगी हुई थी। ब्राह्मण देवता ने पूछा माई ये क्या है? कहा ये तेरे 7 जन्म के पाप जैसे ही जले हैं मैं तेरे सामने आके प्रकट हो गई हूं। बेटा यदि पूर्व का कोई अपराध नहीं है तो इस समय का किया गया सत्कर्म तत्काल फलदायी होता है, उसमें देर नहीं लगती। इतना अपना पुण्य बढ़ाइए, इतना भजन बढ़ाइए कि प्रारब्ध की वृक्ष को कोई भारी दीवाल कुचल करके रख दे, ऐसा जीवन जीने में आनंद है। उन्हीं संदर्भों में हमारे ग्रंथों में इन कथानकों का वर्णन किया, भजन में बड़ी ताकत, बहुत ताकत। भजन का सीधा संबंध हृदय और माथे से होता है। मस्तिष्क बड़ा बलिष्ठ बनता है जिसमें बहुत सोचने की ताकत आती है, लोग विचारवान बन जाते हैं। अभ्यास नहीं है, आप थोड़ा करके देखिए। अब ऐसा तो नहीं कल ही नाक कान बंद करके बैठ जाओगे तो भगवान के लिए मिल जाए, अभ्यास कीजिए। और इतना अभ्यास हो जाएगा कि आप उसके बिना रह ही नहीं पाए। और ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये हकीकत है, प्रैक्टिकल है। आज भी इस देश में ऐसे महापुरुष हैं, महात्मा हैं, जिन्हें प्रत्येक दिन भगवान का दर्शन होता है। पात्रता तो होनी चाहिए, आंखों में इतनी ताकत तो हो कि उस ईश्वर को देख ले, आंखों में इतनी शक्ति तो, इतनी पात्रता तो हो हमारे पास, हम इतने गुणी तो हों उसके दर्शन करने के लायक हों,
मनुष्य बनकर के आए हैं, पितृपक्ष में कथा सुनी जा रही है, बदल दो अपने आप को, परिवर्तन कर दो, ईर्षा छोड़ो, राग छोड़ो, द्वेष छोड़ दो, बिल्कुल सहज बनिए, सरल बनिए, कभी एकांत का भी लाभ लीजिए, थोड़ा अकेले में बैठिए, अपने आप से बात कीजिए, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करना है और कहां जाना है। अंदर से आवाज आएगी, चल रे हंसा अमर लोग को, यहां कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। धृतराष्ट्र जैसे लोगों का संग करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, गांधारी बुद्धि है। हमारे वेद में क्या कहा है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यही तो कहा है कि हे भगवान कृपा करो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके चलो। ये वेद का वाक्य उपनिषद बोलता है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के चले। लेकिन हस्तनापुर की यह नारी बहुत बड़ी त्रुटि कर गई, बहुत बड़ी गलती कर गई। ऐसा भी धर्म किस बात का कि तुम एक ऐसा फल पैदा कर दो कि जो धरती को नष्ट करे। और याद रखना, जिस समय आप अंधकार से प्रकाश की तरफ चलोगे तो कुंती बनकर दुष्टर को पैदा कर दोगे, और यदि प्रकाश से अंधकार की ओर चले तो फिर वहां तो दुर्योधन ही पैदा होगा। आप ठीक से समझे नहीं है क्योंकि ताली कमजोर बजी है। आंख से पट्टी बांध लेने का मतलब क्या है, यानी प्रकाश से तुम अंधेरे में जा रहे, आंख में पट्टी बांध दी, क्या मतलब था उस पट्टी को बांधने का। और मुझे लगता है कि यदि गंदारी की आंख में पट्टी न होती तो जो घटनाएं घटी थी वो घटनाएं कभी नहीं घटती, क्योंकि बुद्धि ही तो निर्णय लेती है, निर्णय वाचक है, वेदांत की भाषा में बुद्धि निर्णय लेती है क्या करना है क्या नहीं करना है। आज वेद के उस सूत्र को पीछे किया था इस गांधारी ने, परिणाम उसके विपरीत हो गए। कथा गांधारी की नहीं है, कथा हमारी और आपकी है। यदि आप अंधकार से प्रकाश की तरफ चलोगे तो कुंती बनकर दुष्टर को पैदा करोगे, यदि आपने प्रकाश की तरफ से अंधकार की यात्रा करी तो वहां मूड दुर्योधन ही पैदा हो, जहां कष्टों के अलावा अपमान के अलावा और क्या मिलेगा वहां पर, और कहां और क्या मिलेगा वहां। इसलिए अपनी यात्रा को अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके चलिए, कहिए हे प्रभु आप मुझे तमोगुण से दूर कीजिए, आप मुझे अज्ञान से दूर कीजिए, इतनी शक्ति देना हमें हे दाता, हे प्रभु ऐसी ताकत दे दो, हमें ऐसी शक्ति दे दो, हमारा जीवन गुणी बन जाए, हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाए, हमारा जीवन विशेष बन जाए। तो उन्हीं नौ सूत्रों में चल के आ जाइए, पहली बात अच्छा सुनिए, दूसरी बात अच्छा सुनाइए, तीसरी बात अच्छा सोचिए, चौथा सूत्र है इस प्रकृति से चरण छूकर आशीर्वाद लीजिए, और अगली बात है अर्चन इस प्रकृति को दीजिए, दोगे तो ही मिलेगा, नहीं नहीं मिलने वाला अर्चन। अगली बात है वंदन, हाथ जुड़े रहे पूज्य डोंगरे जी महाराज की तरह, एक होता है वंदन और एक होता है बंधन। बंधन में व्यक्ति बना हुआ होता है, वंदन में, और बंधन में व्यक्ति बहुत सहज होता है, मुक्त होता है, खुला हुआ होता है। तो श्रेष्ठ नौ सूत्रों में से एक सूत्र है वंदन, हाथ जोड़िए, भगवान का धन्यवाद कीजिए, आपने बहुत कुछ दिया है मुझे, मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। अगला सूत्र है भगवान के साथ कोई न कोई संबंध बनाइए। मैंने अपने भगवान के साथ रिश्ता बनाया, चाहे महादेव हो, चाहे गोपाल जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे गणेश बाबा हो, परमात्मा रिश्तों को बहुत मानते हैं। दुनिया के लोग तो तोड़ देते हैं रिश्ते स्वार्थ पूरा होने पर, ऐसा एक भगवान है जो रिश्ता कभी तोड़ता नहीं। जो सूर का बेटा बना, उसने वृद्ध सूर दास की मृत्यु पर अग्नि संस्कार किया, जटायु ने राम को अपना पुत्र माना, राम वनवास का वाहना लेकर जटायु के पास तक पहुंचे, और पास तक ही नहीं पहुंचे, अंतिम संस्कार किया,
ऐसा एक ईश्वर ही है जो रिश्तों का निर्वहन करता है। दुनिया तो बहुत चालू है, बहुत स्वार्थी है, यहां तो व्यक्ति स्वार्थ की पूर्ति के लिए खड़ा है। ये दुनिया तो भरोसा करने के लायक ही नहीं रही, ये संसार भरोसे के लायक नहीं रहा। केवट ने बात भगवान को बोली थी, माता सबरी भी प्रभु राम को बोली। सबरी ने कहा था कि रात को 12 बजे घर छोड़ करके आई ना प्रभु, मैंने संसार को छोटी उम्र में बहुत करीबी से देखा। ये कथा सबरी राम की नहीं, कथा हमारी और आपकी। जिनके ऊपर आप भरोसा करते हैं ये सब भरोसा तोड़ने वाले, इनसे तो बस अब उतना ही रखिए जितनी इनकी जरूरत है, और ज्यादा इनसे वास्ता रखा तो रोने के अलावा और कुछ नहीं। यदि रिश्ता बनाना है, संबंध बनाना है, तो सिर्फ भगवान से, सिर्फ परमात्मा से। उस नौ सूत्र में सूत्र को कहते हैं सख्य, सखा। मित्र उसे कहते हैं जो हमारे दुख का त्राण करता है, हमारे दुख को दूर करता है, हमारे दुखों को मिटाने के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है, उसे मित्र कहते हैं। तो नौ सूत्रों में ये सख्य भाव भी ईश्वर से मिलाने वाला एक सूत्र है। लेकिन ये नहीं है कि भगवान ही निभाता रहे और आप न निभाए। यदि आपने उसे बड़ा भाई माना है तो अच्छा छोटा भाई बनिए, यदि उसे आपने छोटा भाई बनाया है तो आप अच्छे वाले बड़े भाई बनिए। यदि आपने उसे पिता बनाया, ये नहीं कि वो ही सब तरह से संभालता रहे और तुम कुछ नहीं करो। यदि उसे पिता बनाया है तो आप खुद अच्छे से बेटे बनिए, अच्छे बच्चा बनिए। रिश्ता तो तभी निभेगा ना, बस वो निभाता रहे तुम ना निभाओ तो कैसे हो जाएगा। वो मीरा के लिए आया था तो तुम्हारे लिए भी आएगा, वो सूर के लिए आया था तो तुम्हारे लिए भी आएगा, वो विदुरानी के लिए आया तुम्हारे लिए भी आएगा। इस ईश्वर से जुड़ने में बड़ा आनंद है, बहुत आनंद है। सख्य नौ सूत्र में से एक सूत्र है, और नौवां जो सूत्र है वो ये है कि आपके पास जो भी है उसे भगवान का मान लीजिए, कहिए प्रभु ये सब तेरा, बेटा तुम्हारा, बेटा बेटी, पत्नी पति, घर द्वार परिवार, सिरा दे, ये सब आपने दिया है भगवान, ये सब आपका दिया हुआ है। ये बात प्रहलाद जी ने बोली थी, नौ सूत्र। मैं इसके लिए एक श्लोक बोले देता हूं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास सख्य आत्मनिवेदन। अच्छे लोगों की संगति को भी भगवान से मिलने का एक सूत्र बताया। प्रभु राम जी की तो आवाज में गुरुजनों को सानिध्य, ईश्वर से मिलने की परम सीढ़ी, परम रास्ता बताया।